एनवायरमेंट है इतना पोल्यूटेड नहीं है हमारा यार, यहाँ पे हम पूरा ब्लू स्काई देख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी इतना नहीं है, लेकिन व्हीकल्स जो है इंडस्ट्रीज से ज्यादा तो यहाँ पे व्हीकल्स है, तो आने वाले दिनों में हो सकता है हमारे एयर पोल्यूट होने का जो रीजन है वो बन सकता है व्हीकल्स। तो इसको रोकने के लिए हम अपनी गाड़ियों में फ्यूल्स जो है गुड क्वालिटी फ्यूल्स यूज करें एंड सीएनजी गैसेस यूज कर सकते हैं हम फ्यूल की जगह पे। एंड कार पुलिंग जैसे कि फैजा ने कहा, अगर तीन चार लोगों को एक ही जगह पे साथ में जाना हो तो वो एक ही गाड़ी में जा सकते हो, जरूर नहीं कि हाँ एक हर किसी का इंडिविजुअल कार लेके जाए। एंड क्लीन एयर एंड क्लीन वाटर फिल्टर्स गाड़ी में होनी चाहिए। एंड जो गाड़ी के जो साइलेंसर्स पे जो कार्बन डिपॉजिट हुआ होता है उसको रेगुलरली क्लीन करते रहें हम। एंड ज्यादा से ज्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, उससे प्राइवेट कार्स जो है कम होंगे सिटी में तो पोल्यूशन भी कम होगा। जहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा जाम हुआ होता है वहां पे हम अपनी गाड़ी को थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ भी करके रख सकते हैं। एंड जो है जो नजदीक बाजार से नजदीक है या कहीं नजदीक जगह पे जाना हो तो वहां पे हम गाड़ी की जगह पे बाइसाइकल्स भी यूज कर सकते हैं या पैदल जाके भी ला सकते हैं जो भी लाना होगा। एंड प्रॉपर स्टेशन नहीं होने की वजह से यहाँ पे जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज नहीं होता हमारे यहाँ, क्योंकि गाड़ियां जो है यहाँ से जैसे कि शाम को जाना हो तो बीच में 10 बार रोकते हैं, जिस वजह से टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट होता है हमारा, तो फिर इसलिए ज्यादातर लोग जो है इंडिविजुअली जाते हैं। तो प्रॉपर स्टेशन होना जरूरी है। एंड ओवरलोडिंग की वजह से भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है यहाँ पे जो है मैक्सिमम, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। बस इसमें बहुत सारे लोगों के साथ साथ इतने सामान होते हैं कि तो लोड ज्यादा होगा तो वहां से पोल्यूशन भी ज्यादा निकलते हैं, पोल्यूटेंट्स भी, तो वो जितना हो सके कम करेंगे तो ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू। ऑल ऑफ यू, सो माय टॉपिक इज अबाउट चिल्ड्रन सेफ्टी। ये तो हमारे इंडिया में रोड चिल्ड्रन सेफ्टी के ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हमारे दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। हमारे कारगिल में तो ऐसा नहीं, क्योंकि हमारे कारगिल में पॉपुलेशन ही है, उसकी वजह से इतना एक्सीडेंट्स होता भी नहीं है। बाकी फिर भी हमें चाहिए कि हमारे बच्चों को सिखाए कुछ भी एक्सीडेंट किस वजह से होता है, क्योंकि आजकल जो है लोग बिजी लाइफ जीते हैं, जल्दी में होता है जल्दी काम करने से, और बच्चों को पता नहीं होता है कि रोड कैसे क्रॉस करना है। तो हमें ट्रैफिक रूल्स उसको सिखाना चाहिए ताकि वो रूल्स को फॉलो कर सके और एक्सीडेंशियल केस कम हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नियरेस्ट टू बस स्टॉप। And I also wanted to share some suggestion. Due to lack of footpaths, dedicated proper footpaths, the women were worried about their safety. There should be dedicated continuous footpaths for people. This is my last point, and I would say conclusions. Transport is the, as we all know that, transport is the basic thing for every person to move around. And when we talk about the women, there are issues related to safety which needs to be taken care. The risk should be reduced as much as possible. So at last, the government should take the measures to avoid all kinds of safety risk. That's all. Thank you so much. Thank you. गाड़ियों की वजह से हमें मतलब काफी वो एयर पोल्यूशन हो रहा है जो हमारे लिए नुकसान है। और you all spoke so well. And now I'm left with like just few points because you guys talked about air pollution, how it impacts the health. I will just give I'm going to talk about sustainable transportation. But before moving to sustainable transportation, different modes of sustainable transportation, I will give a short overview of why do we need sustainable transportation. And in agreement with the first speaker and the second last, I forgot your name, so sorry for that. So you guys talked about air pollution. I will give a stat about how it has impacted in India specifically and how it's going to increase more the vehicle registration in India, because we have seen continuously
the increment in vehicles and in Kargil, and the stats for it is like in 2019, the total vehicle registration in Kargil was around 6,700, and in 2020 there was a